हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपको लिपस्टिक अप्लाई करना बहुत ज्यादा पसंद है या अगर आप लिपस्टिक लवर हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे लिपस्टिक ब्रांड जिन्हें आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, स्पेशली उसमें कौन सा रेंज आपको ट्राई करना चाहिए या उनमें से मेरा फेवरेट शेड कौन सा है, मैं ये भी आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं उन लिपस्टिक ब्रांड के बारे में या उन लिपस्टिक के बारे में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी, या मैं सीधे तौर पर कहूं तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। पॉइंट नंबर वन, जहाँ तक रही बात लिपस्टिक की या मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, ये काफी सब्जेक्टिव होते हैं, डिपेंड करता है हमारी पर्सनल चॉइस पे। हो सकता है जो लिपस्टिक ब्रांड या जो लिपस्टिक मुझे पसंद हो आपको ना पसंद आए, या आपको जो पसंद है वो मुझे ना पसंद आए, इसलिए मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे ये लिपस्टिक ब्रांड और मुझे ये लिपस्टिक शेड या रेंज बहुत ही ज्यादा पसंद है। पॉइंट नंबर टू, ये सारी लिपस्टिक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, वैसे मैं हमेशा कहती हूं बट फिर भी मैं कर दूंगी इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेक जरूर करिएगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे लिपस्टिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें अफोर्डेबल भी हैं, थोड़े से महंगे भी हैं, डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में जाना चाहती हैं। और जहां तक रही बात लिपस्टिक शेड की, तो डीप डार्क बोल्ड भी हैं और साथ ही साथ न्यूड लाइट भी हैं, तो आपको हर शेड मिल जाएगा। तो सबसे पहला ब्रांड है NYBAE का। NYBAE में वैसे मैंने 3-4 लिपस्टिक ट्राई की हैं, बट मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है उनकी लिक्विड लिपस्टिक। इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपीज। इसमें कई सारे शेड आते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकते हैं। मेरे पास जो शेड है वो है 22। इसमें से मैंने एक शेड और भी ट्राई किया था जो कि था 03 आई गेस, वो शेड पिंक था, ये थोड़ा सा ब्रिक रेड है, बहुत ही अच्छे हैं ये दोनों ही शेड, आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। पॉइंट जो आपको माइंड में रखने हैं वो ये है कि ये लिपस्टिक कम्प्लीटली मैट है, तो ध्यान रखें कि आप अपने लिप्स को पहले एक्सफोलिएट कर लें, उसके बाद उन्हें अच्छे से मॉइस्चराइज जरूर कर लें जिससे कि आपके लिप्स जो हैं वो बिल्कुल भी ड्राई आउट फील ना हो। और जैसे आप इन्हें ट्रीट करेंगे स्टेइंग पावर उसी के अकॉर्डिंग है, मतलब अगर आप कोई ऑयली फूड लेते हैं तो ये फेड हो जाते हैं। सेम ब्रांड में सेकेंड लिपस्टिक है इनका लिप क्रियॉन, लेकिन उसमें माइनस पॉइंट ये है कि उसके साथ कोई शार्पनर नहीं आता है, तो आपको एक्स्ट्रा शार्पनर बाई करना पड़ेगा या अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब प्राइस जब मैंने उसे बाय किया था तब 119 या 120 रुपीस था, बट अभी उसका प्राइस बढ़ गया है, बट क्वालिटी जो है वो A1 है, आपको बहुत पसंद आएगी। सेम ब्रांड में थर्ड लिपस्टिक है NYBAE की आर्गन ऑयल इन्फ्यूज्ड मैट लिपस्टिक या सेमी मैट डेमी मैट, जिसका प्राइस है आई गेस 175 रुपीज जब मैंने बाय किया था, क्योंकि लिपस्टिक जब आप बाय करते हो कुछ टाइम बाद हर प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। कई बार मुझे इससे रिलेटेड कमेंट आते हैं कि आपने तो प्राइस ये बताया बट ये है प्राइस, तो आप ध्यान रखिए कि वो वीडियो कब अपलोड किया गया है। तो मैंने जब उस वीडियो को अपलोड किया है तो प्राइस मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अभी मैं अगर देखूं तो कई सारे प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं, जैसे कि वादी हर्बल का लिप बाम, जब मैंने उसका वीडियो शेयर किया था तो 34 का था, अभी 45 का वो मिलता है सिर्फ 10 ग्राम, तो प्राइस जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो वापस आते हैं हमारे लिपस्टिक पे, तो NYBAE की जो आर्गन ऑयल इन्फ्यूज्ड लिपस्टिक है उसमें मैंने दो लिप शेड ट्राई किए हैं, एक न्यूड था और एक मरूनिश रेड था, दोनों ही शेड परफेक्ट थे, सुपर कंफर्टेबल लिपस्टिक, कलर पे ऑफ बहुत ही अच्छा, वन स्वाइप में एग्जैक्ट कलर आपको मिल जाता है, स्टेन पावर भी काफी अच्छी है, मतलब ऑयली फूड अगर आप लेते हैं तभी वो आपके लिप्स से ट्रांसफर होगी, अदरवाइज वो आपके लिप्स पे स्टे करेगी और कंफर्टेबल रहेगी, ब्राइट भी रहे। बहुत अच्छा ब्रांड है, उसमें तीन लिपस्टिक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, वैसे मैंने उसमें आई गेस 4 या 5 ट्राई की थी बट मुझे तीन ही ज्यादा पसंद आई, तो मैंने तीनों रेंज आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड ब्रांड की तरफ, तो सेकेंड ब्रांड है
ब्लू हेवन से भी मैंने कई सारी लिपस्टिक ट्राई की हैं, लिक्विड लिपस्टिक भी और बुलेट लिपस्टिक भी, लिप क्रेयॉन भी, बट उसमें मुझे तीन रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। पहली है इनकी पाउडर मैट लिपस्टिक जिसका प्राइस है 150। इसमें कई सारे शेड आते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेंज है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, कलर बहुत अच्छे हैं, मतलब A1 क्वालिटी है। सेकेंड है इनकी एलिगेंस मैट लिप कलर। लिक्विड लिपस्टिक है तो कम्प्लीटली मैट भी है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने लिप्स को एक्सफोलिएट एंड मॉइस्चराइज जरूर कर लें। थर्ड लिपस्टिक है ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर मैट लिप कलर। उसमें मैंने दो शेड ट्राई किए थे, एक आई गेस रेसबेरी लव था और दूसरा स्मोक्ड रेड था। एक बहुत ही प्यारा पिंक मिक्स रेड कलर था और दूसरा एक डीप डार्क, मतलब थोड़ा सा ब्रिक वाला रेड कलर था। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक। सेम पॉइंट हर लिपस्टिक के साथ कंपलसरी है कि अगर आप कोई ऑयली फूड लेते हैं तो वो आपके लिप्स से ट्रांसफर हो जाती है, अदरवाइज लिपस्टिक की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो दो ब्रांड हमारे हो चुके हैं, अब है तीसरे ब्रांड की बारी। तो तीसरा है के ब्यूटी का लिप क्रेयॉन। फिलहाल के ब्यूटी में भी कई सारी लिपस्टिक हैं लेकिन मैंने सिर्फ यही एक ट्राई की है जो कि है इनका लिप क्रेयॉन। बहुत अच्छा है, फर्स्ट इंप्रेशन में आपको उतना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे भी ये उतना पसंद नहीं आया था क्योंकि ये लिप क्रेयॉन है और ऊपर से काफी प्राइसी है। आई गेस इसका प्राइस 899 रुपीज है या 799 रुपीज, जो भी होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट शेड बहुत प्यारा है इंडियन स्किन टोन के लिए, जिस रेड कलर की हमें तलाश होती है। वैसे तो बहुत ज्यादा फेमस है मैक का रूबी वू, बट ये भी कम नहीं है। मतलब जो पिंकिश रेड होता है जो कि हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है, चाहे आप फेयर हैं, मीडियम हैं या डीप हैं, सभी के ऊपर एग्जैक्ट वही रेड कलर है ये। अगर आप रेड कलर के फैन हैं तो ट्राई जरूर करना, आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये लिपस्टिक सच में, मतलब लिप क्रेयॉन जो है वो सच में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट ब्रांड है शुगर। शुगर में मैंने दो लिपस्टिक ट्राई की थी, एक इनकी बुलेट लिपस्टिक थी बट मैंने उसे बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो मैं किसी और को दे चुकी हूँ। बट जहाँ तक रही बात इनकी लिक्विड लिपस्टिक की, मेरे पास दो हैं। पहला है शेड 03 10 पेन और दूसरा है शेड 01। दोनों ही शेड A1 है। जहाँ तक रही बात 01 की, एक डीप मरूनिश रेड कलर जो होता है ये वो शेड है जो कि ब्राइट के लिए या ब्राइडल मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। और जहां तक रही बात 03 10 पेन की, तो ये एवरीडे पर्पज से बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक न्यूड शेड है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे अप्लाई करते हैं, जब एप्लीकेशन फ्रेश होता है तो इसका जो शेड होता है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट होता है, बट थोड़ी देर के बाद, मतलब टाइम के साथ, इसका जो शेड है वो थोड़ा सा डल हो जाता है। यही इसमें डाउनसाइड है, अदरवाइज लिपस्टिक जो है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट ब्रांड है लॉरियल। लॉरियल में मैंने दो लिपस्टिक ट्राई की हैं, एक इनकी बुलेट लिपस्टिक और दूसरी है लिक्विड लिपस्टिक। बुलेट लिपस्टिक मुझे पसंद आई बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके प्राइस जो होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं लिपस्टिक के कंपैरिजन में, जबकि लिपस्टिक जो होती है वो नॉर्मल सी ही होती है, क्रीमी मैट या सेमी मैट, डेमी मैट आप कह सकते हैं। तो मैं उसके बारे में अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगी, लेकिन जहां तक रही बात इनकी लिक्विड लिपस्टिक की, A1 है। शेड रेंज काफ़ी अच्छी है, आई गेस 13 या 14 शेड आते हैं। फिलहाल काफ़ी अच्छे हैं, आप उन्हें मिक्स मैच करके कस्टमाइज शेड बना सकती हैं। फिलहाल हर कोई लिपस्टिक के साथ यही करता है। और मेरे पास दो शेड हैं, 121, 114। एक है डीप फ्यूशिया पिंक कलर और एक है न्यूट कलर। दोनों ही शेड बहुत अच्छे हैं। अगर मैं न्यूट कलर की बात करूँ तो इसकी स्टेइंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये आपके लिप्स को स्टेन करता है बट बहुत हल्का। लेकिन जहाँ तक रही बात आई रिप्रेजेंट या 114 की, क्योंकि ये बहुत डीप कलर है, डार्क कलर है, तो ये आपके लिप्स को बहुत अच्छे से स्टेन कर देता है, जिसकी वजह से अगर आप कोई ऑयली फूड भी लेते हैं तब भी अच्छा लिप कलर, अच्छा सा कलर आपके लिप्स पे रहता है। इसके साथ ये बहुत अच्छा है कि अगर आप
किसी पार्टी फंक्शन में जा रही हैं और अगर आप टचअप नहीं करना चाहती हैं तो आपके पास इस रेंज में से लॉरियल की रूज सिग्नेचर लिक्विड लिपस्टिक रेंज में से आपको एक डीप डार्क शेड सेलेक्ट करिए जो कि आपके लिप्स को स्टेन कर दे और ऑयली फूड के बाद मतलब आप फूड भी इंजॉय कर लें और आपका लिपस्टिक जो है या आपकी लिप कलर जो है वो ऑन पॉइंट भी रहे, बहुत अच्छा शेड है। नेक्स्ट है नायका। नायका से आई गेस मैंने 3 या 4 लिपस्टिक ट्राई की हैं, एक लिक्विड बुलेट लिप क्रियोन सब मैंने ट्राई किए हैं। जहां तक रही बात इनके लिक्विड लिपस्टिक की, मुझे ऐसा लगता है कि वो लिपस्टिक नहीं वो इंक हैं, जैसे कि ये लॉरियल के इंक हैं वैसे ही वो भी है क्योंकि वो काफी शीयर कवरेज में होते हैं। अगर आपके लिप्स थोड़े से पिगमेंटेड हैं तो आपको 2 से 3 कोट अप्लाई करने पड़ेंगे, स्पेशली शेड नंबर 20 जो कि मेरे पास है, ये है कावेरी। ये बहुत ज्यादा शीयर है, बहुत शीयर है। और वहीं पे शेड नंबर 10 जो है आई गेस मैथली ऐसे या मिस्टी, हाँ मिस्टी आई गेस उसका शेड है, वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है। वन स्वाइप में या पहले ही कोट में आपको एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा और वो आपके लिप्स को अच्छे से कोट भी कर देता है। लेकिन सेम रेंज में जानवी शेड जो है वो काफी लाइट है, एवरीडे के लिए परफेक्ट है, तो आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकती हैं, बट मैं उसमें से सिर्फ मिस्टी शेड ही रिकमेंड करूंगी, वो भी फुल साइज नॉट मिनी, क्योंकि मिनी में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपके पैसे वेस्ट होंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो मुझे पसंद आई वो है नायका की सो क्रीम क्रीमी मैट लिपस्टिक। इसमें जो पहले क्रीमी मैट इनकी लिपस्टिक लॉन्च हुई थी मैंने वो भी ट्राई की थी, बट मुझे वो लिपस्टिक उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसमें मुझे रॉन्ग शेड रिसीव हुआ था जो कि मेरे फेस को वॉश आउट करता था, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। लेकिन अगर मैं इस लिपस्टिक की बात करूँ, इसमें मैंने 2 शेड बाई किए थे, दोनों ही शेड मुझे बहुत पसंद हैं। एक शेड है ब्रेक अ लेग और दूसरा है आई गेस बॉस बेबी, तो मैंने दोनों ही बॉस बेबी या बॉस बेब ऐसे कुछ है, मैंने दोनों ही शेड ट्राई किए हैं। ये एवरीडे के लिए, डे टाइम के लिए भी परफेक्ट है और जो बॉस बेब शेड है वो नाइट टाइम के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज्यादा बोल्ड है। लिपस्टिक काफी कंफर्टेबल है, स्टेइंग पावर डिपेंड करती है कि आप उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं। इस वीडियो की जो लास्ट लिपस्टिक ब्रांड है वो है, आपको पता ही होगा, मेबेलिन। मेबेलिन में मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक हैं जिन्हें मैंने ट्राई की हैं और फिलहाल मैं यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लिपस्टिक एडिक्ट हैं या लिपस्टिक लवर हैं, आप अफोर्डेबल लिपस्टिक भी चाहती हैं, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी भी A1 होनी चाहिए और उसमें आपको लिक्विड बुलेट या फिर लिप क्रेयॉन सब कुछ मिल जाए, तो वो इकलौता ब्रांड है मेबेलिन। वैसे लैक्मे की भी लिपस्टिक ऑन पॉइंट होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे मेबेलिन ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनमें जो फ्रेग्रेंस होती है वो नहीं होती है, जबकि लैक्मे के मेकअप प्रोडक्ट में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक रही बात मेबेलिन की सेंसेशनल मैट लिक्विड लिपस्टिक, इसमें बहुत ही अजीब सी स्मेल है बट शेड बहुत प्यारा है। और जहां तक रही बात इनकी बुलेट लिपस्टिक की, तो मेरे पास 10 या 12 शेड थे बट अभी शायद 7-8 ही हैं। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक हैं, स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है आपके लिप्स पे और कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जैसे आपने फ्रेश अप्लाई किया होता है तो एप्लीकेशन होता है आपके लिप्स पे काफी वाइब्रेंट, एग्जैक्ट वैसे ही वो दिन के एंड में भी रहेगा, मतलब ये शेड जो है वो डल नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, फिलहाल अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो मेरे फेवरेट शेड हैं वो है फ्लेमिंग फ्यूशिया और 06 नोहो एम्बर 10 स्मोक्ड रेड, जो कि अभी मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया है और आप देख सकते हैं कि कितना वाइब्रेंट रेड कलर है जो कि आपके लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। फिलहाल लिपस्टिक की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास इससे के मतलब इनके अलावा भी कई सारे लिपस्टिक हैं, कई सारे लिपस्टिक ब्रांड हैं, लेकिन मैंने उन्हें इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है
और वो ऐसी कमी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो या आप उन्हें बेस्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो। बट जहां तक रही बात इन लिपस्टिक की, इन्हें मैं बेस्ट की कैटेगरी में रख सकती हूँ। इनमें सिर्फ एक ही डाउनसाइड है कि अगर आप कोई ऑयली फूड लेते हैं तो ये आपके लिप्स से ट्रांसफर हो जाती है, बट मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनके शेड बहुत अच्छे हैं, इनका टेक्सचर बहुत अच्छा है, लिप्स पे कंफर्टेबल है, कलर पे और बहुत अच्छा है, प्राइस रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ये सारी लिपस्टिक पसंद है और इसलिए मैंने इन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। वैसे आपका फेवरेट लिपस्टिक ब्रांड कौन सा है या लिपस्टिक ब्रांड में कौन सी रेंज आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, साथ ही साथ आप लोगों ने इंजॉय किया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।